अनदर वीडियो। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है पाकिस्तान के अंदर दो 125 सीसी के बारे में, जो कि आप सिटी के लिए बेस्ट कह सकते हैं और फैमिली के लिए भी बेस्ट कह सकते हैं। और प्राइस के हवाले से एवरी पॉइंट ऑफ एंगल से जो है मैंने इनका दोनों का एनालिसिस किया, और फिर मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँ कि ये दो बाइक्स आप विद इन सिटी के लिए बेस्ट हैं आपके लिए, और आप इनको ले सकते हैं और इजीली आप इनको राइड भी कर सकते हैं। पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी इजी है, कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, रिपेयरमेंट भी इजी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने दो बाइक्स आपके लिए रिकमेंड किए हैं जो आप सिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं और फैमिली के लिए अच्छे मॉडल हैं। सो आज जानने की कोशिश करते हैं कि वो दो मॉडल्स कौन से हैं। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सो लेट्स जंप टू द वीडियो। यहाँ पर मैंने फ्रेंड जो आपके लिए दो बाइक्स निकाली हैं सिटी के लिए बेस्ट, उसमें पहले नंबर पर जो हमारे पास आ जाती है होंडा का 125 मॉडल आ जाता है। ये मॉडल जो है इस वक्त लेटेस्ट प्राइस इसकी मार्केट में 1,26,500 है। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से आपको कुछ जगह पे ये एक्सपेंसिव भी मिल रहा है क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, मार्केट से थोड़ा शॉर्ट हुआ है। लेकिन जो इसकी ओरिजिनल कंपनी प्राइस है वो 1,26,500 का ही आपको अवेलेबल है। फोर स्ट्रोक 125 सीसी OHV टेक्नोलॉजी के साथ आता है, 56.5 का बोर, 49.5 का स्ट्रोक, और काफ़ी अच्छी बाइक है ये। लगभग 40 साल से पाकिस्तान में ये बाइक आ रही है, काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है पाकिस्तानी मार्केट्स की ये बाइक। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 105 से लेकर 115 तक है, और इसकी जो एवरेज है वो 35 से 45 तक रहती है। ये ओवरऑल डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर। और सिटी के लिए अगर कोई 125 बाइक लेनी हो तो मैं प्रेफ आपको यही कहूंगा कि यार ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, स्पेशली यूथ के लिए ये एक बहुत अच्छी बाइक है और यूथ इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है और ये यूथ का फेवरेट मॉडल माना जाता है। जहां तक भी सुनने में आया कि लोग कहते हैं कि यार इसका टशन ही कुछ अलग है, तो कुछ ऐसा ही है कि ये बाइक जो है बहुत ज्यादा यूथ में पॉपुलर है। लगभग 40 ईयर हो गए, हालांकि इसके डिजाइन में भी कोई चेंज हमें देखने को एज खासा चेंज देखने को नहीं मिला, सिर्फ स्टिकर का चेंज हर साल देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इस बाइक को बहुत ज्यादा यूथ में ये पॉपुलर बाइक मानी जाती है। सो अगर आप 125 सीसी सिटी के लिए लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में एक बेस्ट मॉडल है सिटी की राइड के लिए। और इसके साथ साथ एक और मॉडल भी है जो आप इसी में ही कह सकते हैं अगर आप इसका अपग्रेडेड मॉडल लेना चाहते हैं, वो है होंडा की जानिब से ही होंडा का 125 SE मॉडल। उसमें सिर्फ ये एडिशन है कि एक तो थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स का इस बाइक में चेंज देखने को मिल जाता है, उसके साथ साथ अगर आप सेल्फ स्टार्ट लेने में कोई बाइक लेने में इंटरेस्टेड है किसी यार सेल्फ स्टार्ट भी हो तो यही सेम बाइक आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिल जाएगी या ग्राफिक्स चेंज के साथ भी आपको ये अवेलेबल होगी, और उसके साथ साथ 5 गियर की ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको ये फायदा है कि इसमें एक तो आपको सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन मिलेगी कि एक स्टार्ट वाला इशू खत्म हो जाएगा, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको 5 गियर मिल रहे हैं, थोड़ी सी वाइब्रेशन भी यहाँ पर कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू होंडा के 125 में। तो अब मैं इन दोनों को एक ही मॉडल कंसीडर करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल है, इसका सेल्फ स्टार्ट के साथ और 5 गियर के साथ है। तो अगर आप विद इन सिटी कोई बाइक लेने में इंटरेस्टेड हैं 125 सीसी में और आप चाहते हैं कि बेस्ट मॉडल हमें मिले, तो आई विल प्रेफर डैट कि आप इसकी 125 या 125 SE दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड मॉडल हमारे पास आ जाता है जो सिटी के लिए बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है, वो है यामाहा की जानिब से यामाहा का 125 Z मॉडल। ये मॉडल भी कुछ ही अरसे में जो है वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और इसको फैमिली यूज़ के लिए एक बेस्ट ऑप्शन कहा जा रहा है। इस मॉडल में जो है हमें OHC टेक्नोलॉजी के साथ 125 सीसी इंजन देखने को मिल जाता है, 54 का बोर, 54 का स्टॉक देखने को मिल जाता है। 3 कलर्स में अवेलेबल है ये, विविट कॉकटेल रेड में और मेटालिक ब्लैक और मेटालिक ब्लू में। इसकी जो इस वक्त लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो मार्केट में 1,46,000 रुपये चल रही है। इसका जो ओवरऑल वेट है वो 118 kg है, जिसमें आप ऑयल वगैरह डालने के बाद इसका इतना वेट हो जाता है। इसमें जो हमें मोबाइल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो 1.2 लीटर की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 100 से 110 तक रहती है, और एवरेज जो है इसकी 35 से 45 के दरमियान रहती है, डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फैमिली के लिए एक बेस्ट मॉडल है, सो आजकल इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फैमिली के लिए इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। स्पेशली जिनकी फैमिली है वो कहते हैं कि यार इस बाइक को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे यूज़र एक्सपीरियंस मिले हैं कि जो फैमिली यूज़ के लिए बाइक लेना चाह रहे हैं वो इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर सिटी राइड के लिए आप कोई बाइक लेना चाह रहे हैं और 125 सीसी मॉडल लेना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी मॉडल को प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें होंडा का 125 और यामाहा का 125Z मॉडल। तो ये दोनों मॉडल आपके लिए एक रीजनेबल प्राइस में बेस्ट हैं विद इन सिटी के लिए, और आप इनकी जो है वो सिटी राइड को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे रूट के लेना चाहें तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इन दोनों मॉडल्स को लें, क्योंकि लंबे रूट पर इनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। ऑल्दो लंबे रूट्स के लिए भी ठीक है, लेकिन आप अगर सिटी के
लिए आप बेस्ट 125 लेना चाह रहे हैं तो आई विल प्रेफर डैट कि आप इन दोनों मॉडल की तरफ मूव कर सकते हैं। सो अगर आपको कुछ कहना है इस सब के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा।